नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स की 1000 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, लगातार मिल रहा है आप लोग को। इधर कल कल शायद कम ही मिला, एक या दो ही मिला, लेकिन लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं 24 अक्टूबर तक मैं 1000 एमसीक्यू की सीरीज दे दूँ। लेकिन आप लोगों से शिकायत है कि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग को शेयर करने में परेशानी है। शेयर कर दिया करिए दोस्तों, जहाँ भी शेयर करना हो शेयर कर दिया करिए। और यह जो सीरीज है यह यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 1000 एमसीक्यू का है। आप यकीन मानिए, मेरा ऐसा विचार है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अगर 1000 एमसीक्यू से अगर आपका आ जाएगा, अगर आप 1000 एमसीक्यू जो सीरीज मैं दे रहा हूँ अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं परीक्षा होने तक, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस है। और 15 से 20 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरिट में अंतर ला देगा आपका। मतलब अगर आपके 90 सही हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपके 110 सही हो जाएं, अगर आप यहाँ से अगर आप रिवाइज करते हैं तो। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा मंथन ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इतिहास का ही प्रश्न चल रहा है, तो इतिहास में कुछ प्रश्न छूट गया है, तो मैं इतिहास के कुछ प्रश्नों को मैं कंप्लीट करा देता हूं। उसके बाद मैं सीधे सीधे इकोनॉमी की सीरीज पर आ जाऊंगा। तो आइए देखते हैं, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? तो ये महात्मा गांधी है, विकल्प ए। क्रिस्ट प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा है कि क्रिस्ट प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। नेहरू ने इसे अग्रिम तिथि कहा। देखिए दोनों में अंतर है, ध्यान में रखिएगा। क्रिस्ट प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। और पंडित नेहरू जी ने कहा क्या कहा था? अग्रिम तिथि का चेक इसे कहा था। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई में प्रारंभ किया था। विकल्प जो है बम्बई है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में आरंभ किया था। वस्तुतः कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुआ था। यहीं पर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे? तो वह थे अबुल कलाम आजाद, विकल्प सी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। ये स्वतंत्रता के पहले सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ये अध्यक्ष चुने गए थे। 1942 के बम्बई विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और उसके बाद 1940 से 45 तक रहते हैं, जिसमें 1942 का विशेष अधिवेशन होता है बम्बई में होता है, इसकी अध्यक्षता भी यही मौलाना आज़ाद ही करते हैं। और 1941 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए अध्यक्ष पद पर बने रहे। अगले प्रश्न पे आइएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। अंतरिम सरकार की स्थापना घोषणा कभी थी? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किए थे। और इस सरकार की ये स्वयं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, स्वयं राष्ट्रपति भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। इस सरकार को जापान सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जापान की तरफ से सम्मिलित होने की घोषणा किया था। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को प्रस्ताव किया था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ था। और इसमें त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को प्रस्ताव दिया गया था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को प्रस्ताव किसने दिया गया था? कैबिनेट मिशन योजना में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री अटली ने की थी। यह मिशन सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित तत्काल लघुकालीन और दीर्घकालीन व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। इसमें प्रांतों को अ ब स 3 वर्गों में बांटा गया था। संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। विकल्प सी जो है आपका सही है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। विकल्प सी जो है सही है। वेदों की ओर लौटो कहिए या फिर बैक टू वेदा, यह दोनों नारा था। यह आपका यही आपका इंग्लिश में है बैक टू वेदा, यह नारा दयानंद सरस्वती का है या फिर वेदों की ओर लौटो। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, बिल्कुल शेयर करिएगा। अब अगली सीरीज हम लोग अर्थव्यवस्था का देखेंगे। कुछ लोग हमको एडवाइस दे रहे हैं कि लंबा लंबा वीडियो बनाइए, ज़्यादा
इतना छोटा छोटा वीडियो में हालत ये है कि कोई देख ही नहीं रहा है, बस कम व्यू आ रहा है। मैं लंबा लंबा वीडियो मेहनत करूँगा और आप लोग 15-20 व्यू के, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिए, सभी वीडियो को देखिए लगातार, इसमें दिक्कत क्या है भाई, क्लिक करने में क्या दिक्कत है। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबा वीडियो या छोटा वीडियो से मतलब नहीं है। अर्थव्यवस्था अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को।